नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नेट यूजी 2024 और यूजीसी नेट 2024 परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उन्होंने इजराइल, गाजा और रूस यूक्रेन की जंग रोक दी, लेकिन वो पेपर लीक नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा कि देश के एजुकेशन सिस्टम को सुनियोजित तरीके से कब्जे में कर लिया गया है, इस पर रोक लगानी होगी, इसे रिवर्स करना होगा, हमें पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल करनी होगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने भी पेपर लीक किया है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पेपर लीक से पहले हमें सिस्टम की जांच करनी होगी, युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, नीट के पेपर लीक हुए हैं, यूजीसी नेट के पेपर में धांधली हुई है, उसकी जांच की जानी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि संसद सत्र शुरू हो रहा है और यह मुद्दा संसद में भी उठाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश के व्यापम का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पूरे प्रदेश में ऐसा ही तंत्र बनाने की कोशिश हो रही है, हम इसे रोकने की कोशिश करेंगे। जरा सुन लीजिए कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। भारत छोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से हम महाराष्ट्र गए और रास्ते में हजारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी, मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था, मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है, जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं। मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। तो सुना आपने कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से केंद्र सरकार पर हमला भी बोल रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में जो है बीजेपी अपने लोगों को बैठा रखी है, बीजेपी के लोगों का कब्जा हो रखा है। वहीं आपको बता दूं कि जिस तरीके से नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में जो है तेजस्वी यादव का भी नाम जुड़ रहा है, उसको लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिहार से भी जो भी खबर सामने आ रही है उसकी जांच होनी चाहिए और जांच में जो भी दोषी पाया जाता है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।